दोस्तों कुछ दिन पहले 3 दिनों में एक के बाद एक घटित हुई 4 दिल दहला देने वाली घटनाओं ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा आतंकी हमला हुआ। यहाँ आतंकी हमले के बाद भारत में गुस्से का उबाल नजर आ रहा है। माननीय अजीत डोभाल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान से हम निपट लेंगे, हमारे पास इतनी शक्ति है। आप बंदूक उठाने के लिए तैयार? बिल्कुल सर, बंदूक तैयार है। पहली घटना 9 जून को जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में घटी, जहां शिवखोड़ी मंदिर से वैष्णो देवी जा रही एक 53 सीटर बस को आतंकवादियों ने निशाना बना लिया और जिसके चलते 9 लोगों की जानें चली गई। दूसरी घटना 11 जून को जम्मू एंड कश्मीर की कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आकर हुई, जहां अचानक 2 आतंकियों ने घर पर ओपन फायर कर दिया, जिसके चलते एक सिविलियन बुरी तरीके से जख्मी हो गया। और इसी तरह 11 जून को तीसरी घटना का निशाना बना जम्मू एंड कश्मीर का डोडा डिस्ट्रिक्ट, जहां मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच भिड़ंत में एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई और 6 सिक्योरिटी पर्सनल्स घायल हो गए। और अब ऐसे ही एक और यानी फोर्थ कंसेक्यूटिव अटैक की खबर सामने आ रही है, जहां डोडा के ही छत्तरगाला पास के करीब टेररिस्ट ने राष्ट्रीय राइफल्स के पोस्ट पर ओपन फायर कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स के 5 और 1 एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी घायल हो गए हैं। दरअसल टेररिस्ट ये कोशिश कर रहे थे कि वो कैसे भी छतरगला पास से किश्तवाड़ से होते हुए अनंतनाग पहुंच जाए, लेकिन बीच में ही राष्ट्रीय राइफल्स का चेक पोस्ट मिल गया, जिसके चलते ये फायर एक्सचेंज देखने को मिला। इन सीरीज ऑफ अटैक्स के चलते जहां एक तरफ लोगों में बड़ा गुस्सा है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इन हमलों से डरे हुए हैं। दरअसल इस तरह की कुछ इमेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये अटैक तो बस एक शुरुआत है और टेररिस्ट का ऑब्जेक्टिव जम्मू वैली के फर्दर लोअर रीजन्स को टारगेट करना है। और अगर ठीक से देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत रियासी से हुई है, वही रियासी जिसे लेट 90s से राजौरी और पुंछ के बाद जम्मू कश्मीर का 3rd बिगेस्ट मिलिटेंट हॉटबेड माना जाता है। वैसे तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से सरकार ने इस रीजन में इस तरह की मिलिटेंट एक्टिविटीज को काफी हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन अब एक बार फिर वैली में मौत के सौदागर आजाद घूम रहे हैं। इसी साल जब जनवरी में अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से वैली में मिलिटेंसी से रिलेटेड केसेस में 66% का डिक्लाइन रजिस्टर हुआ है, जिसका श्रेय आर्म्ड फोर्सेज द्वारा रीजन में दिन रात किए जा रहे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम डेटा पर नजर डालें तो पिछले 3 सालों में सिर्फ राजौरी और पुंछ में 38 सोल्जर्स और 11 सिविलियंस की जानें गई हैं। और एक बार के लिए ये मान लिया जाए कि राजौरी और पुंछ दोनों LOC के पास मौजूद एरियाज हैं, जो POK के बॉर्डर से सीधे लगते हैं, इसीलिए सरकार या आर्म्ड फोर्सेज द्वारा इन रीजन में मिलिटेंसी को पूरी तरीके से वाइप आउट कर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि POK बॉर्डर से लगने की वजह से मिलिटेंट्स को इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में अटैक करने के दौरान पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप से रिक्वायर्ड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन रियासी का क्या, क्योंकि रियासी तो LOC के करीब भी मौजूद नहीं है और ना ही इसका POK से बॉर्डर लगता है, तो फिर मिलिटेंट्स यहां तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच पा रहे हैं? दोस्तों इस सब का जवाब है पीर पंजाल रेंज में। वही पीर पंजाल रेंज जो कश्मीर को जम्मू से सेपरेट करने का काम करती है, और दरअसल रियासी, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का हॉटबेड माना जाता है, पीर पंजाल रेंज के इन एंड अराउंड मौजूद ही 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से रेंज पास होती है। और असल में यही पीर पंजाल पिछले कुछ सालों से इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने वाले टेररिस्ट और उन्हें ट्रेनिंग देने वाली ऑर्गेनाइजेशन का न्यू सेफ हेवन बनता जा रहा है। कैसे, आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स, द पीर पंजाल कनेक्शन ऑफ मिलिटेंसी। दोस्तों पीर पंजाल रेंज कैसे आज एंटी इंडिया एक्टिविटीज और एजेंडाज को रन करने वाले मिलिटेंट्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सेफ हेवन बनती जा रही है, इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले इस 320 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन रेंज की टोपोग्राफी को समझना होगा, क्योंकि इस टोपोग्राफी को ठीक से समझकर ही हम जान पाएंगे कि क्यों पिछले कुछ सालों से लगातार कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपने मिलिटेंट कैंप्स को इसी रेंज के इन अराउंड शिफ्ट कर रही हैं। दरअसल दोस्तों पीर पंजाल कोई सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, बल्कि कई सारे सबसिक्वेंट माउंटेन्स की एक चेन है, जो POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहने वाली नीलम रिवर से हिमाचल प्रदेश की अपर ब्यास रिवर तक रन करती है। वेस्टर्न हिमालयस का पार्ट होने की वजह से इस रेंज को सूटेबल रेनफॉल रिसीव होता है, जिसके चलते यहां का फॉरेस्ट काफी डेंस है, और साथ ही इस रेंज में कई सारे नेचुरल केव्स और मार्शी लैंड्स भी मौजूद हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पीर पंजाल रेंज जम्मू रीजन को कश्मीर रीजन से डिवाइड करती है, जहाँ ईस्ट में इस रेंज की बॉर्डर कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, किश्तवाड़ और वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ, राजौरी और डोडा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। असल में POK से हिमाचल तक नीलम और ब्यास जैसी कई सारे रिवर्स के अलॉन्ग एक्सटेंड होने की वजह से पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को इस रेंज के सहारे इंडियन बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए नेचुरल रूट्स मिल जाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर करीब 3,323 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर अकेले पाकिस्तान के साथ 1200 किलोमीटर से लंबी बॉर्डर शेयर करता है, और ऐसे में इतनी बड़ी बॉर्डर को पूरी तरीके से फेंस कर पाना मुमकिन नहीं है।
इसी के चलते इंडिया पाकिस्तान के बीच मौजूद कश्मीर बॉर्डर के करीब कई सारे ओपन स्पेसेस मौजूद हैं जहां से इंडिया में एंटर किया जा सकता है, और पीर पंजाल की कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी ऐसा ही एक विंडो मिलिटेंट्स को प्रोवाइड करती है। सिमिलरली जैसा कि हमने देखा, यहाँ के फॉरेस्ट काफी डेंस हैं जिनमें कई सारी केव्स भी मौजूद हैं, और ऐसे में मिलिटेंट्स इन्हीं केव्स का इस्तेमाल आर्म्ड फोर्सेस से बचने के लिए हाइडआउट पॉइंट्स की तरह कर रहे हैं। लेकिन पीर पंजाल रेंज और मिलिटेंसी का कनेक्शन सिर्फ यहाँ की टोपोग्राफी से ड्रिवन नहीं है, बल्कि इसके कई सारे और भी कारण हैं। एग्जाम्पल के लिए, पिछले कुछ सालों में कश्मीर से मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप्स का शिफ्ट होना इस कनेक्शन का एक मेजर कारण है। दरअसल 2010 से पहले इंडिया में होने वाली ज्यादातर टेररिस्ट एक्टिविटीज कश्मीर वैली में कंसंट्रेटेड थी और जम्मू वाला रीजन रिलेटिवली सेफ कंसिडर किया जाता था। लेकिन 2010 के बाद से सरकार ने कश्मीर वैली में मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए वाइड स्केल पर ऑपरेशन रन किए, जिसमें सरकार और हमारी आर्म फोर्सेज को सफलता भी हाथ लगी। इस दौरान आर्म फोर्सेज ने काउंटर इंसर्जेंसी यानी CI ऑपरेशंस का यूज करके कई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, जहां एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम यानी AIOS, नाइट विजन इक्विपमेंट और रिकॉनिसेंस ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल काफी वाइटल साबित हुआ। सिमिलरली 2019 में कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस के रिवोक हो जाने के बाद आर्म फोर्सेज यहां मौजूद मिलिटेंट सिंपथाइजर्स को भी इजीली डिटेक्ट कर पाई, जिसके चलते लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे टेरर ग्रुप्स को इन सिंपथाइजर मिलने वाली क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का फ्लो रुक गया, और इन सिंपथाइजर्स के साइडलाइन होने की वजह से उनके पास कश्मीर वैली में मौजूद हाइडआउट भी नहीं रहे। इसका सीधा असर यह हुआ कि कश्मीर वैली में मिलिटेंट्स रिड्यूस होने लगे, लेकिन इन एक्शंस का एक रेसिप्रोकल इफेक्ट भी हुआ। असल में इन एक्शंस के जरिए हमने कश्मीर वैली से मिलिटेंसी को तो खत्म कर दिया, लेकिन इसके चलते POK और खास करके कश्मीर वैली बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को बचाने के लिए कश्मीर वैली से दूसरे रीजन्स में शिफ्ट करने लगी। वैसे तो इनमें से ज्यादातर ग्रुप्स बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चली गई, लेकिन कुछ ग्रुप्स ने खुद को इंडियन सॉइल में ही बनाए रखा, और अल्टीमेटली यही ग्रुप्स पीर पंजाल रेंज की ओर शिफ्ट हुई। पीर पंजाल रेंज की ओर शिफ्ट होना इन ग्रुप्स के लिए बेहद बेनिफिशियल साबित हुआ, और यहाँ आने से उन्हें न सिर्फ वैली में इंडियन फोर्सेस द्वारा रन किए जा रहे ऑपरेशन से बचने का मौका मिला, बल्कि अब उनके हाथ नए हाइडआउट स्पॉट्स भी लगे जो उन्हें फ्यूचर में आर्म फोर्सेस की नजर से बचाए रख सकते थे। सिमिलरली इस रेंज का सीधा POK से कनेक्ट होना भी उन आतंकवादियों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, और अब उनके पास एक ऐसा नया रूट था जो डेंस फॉरेस्ट, मार्शी लैंड और नेचुरल केव से भरा था, जिसके सहारे वो बिना किसी की नजर में आए क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट कर सकते थे और लश्कर और जैश जैसी ऑर्गेनाइजेशन से दोबारा कनेक्शन एस्टैब्लिश कर अपनी वेपन्स और दूसरी टेक्नोलॉजिकल नीड्स को इंश्योर कर सकते थे। यानी पीर पंजाल में शिफ्ट होने के बाद से मिलिटेंट्स का मोडस ऑपरेंडी यानी उनका मोड ऑफ ऑपरेशन पूरी तरीके से बदल गया है, जिसके चलते उन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन ये चेंज ऑफ मोडस ऑपरेंडी सिर्फ उनके वर्किंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस चेंज को अब उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी देखा जाने लगा है। दरअसल पहले ये टेररिस्ट ग्रुप्स वैली की लोकल पॉपुलेशन को धर्म के नाम पर बहला फुसलाकर ट्रेनिंग के लिए बॉर्डर पार बने अपने ट्रेनिंग कैंप्स में भेज दिया करते थे, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें वापस इंडिया लाकर किसी स्पेसिफिक रीजन में डिप्लॉय कर दिया जाता था। लेकिन ऐसा करना इन टेररिस्ट के लिए बहुत टाइम टेकिंग एंड रिस्की प्रोसेस था। कई दफा इन रिक्रूट्स को आते जाते वक्त आर्मी पकड़ लिया करती थी, तो कई दफा जिस रूट से उन्हें रिटर्न आना होता था उसका पता फोर्सेस को लग जाता था, जिसके चलते वो कई महीनों तक POK में फंसे रह जाते थे। लेकिन पीर पंजाल में अब अपना ट्रेनिंग कैंप एस्टैब्लिश करने के बाद से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम दूर हो गई है, और अब पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी आर्मी की मदद से अपने वेल ट्रेन मिलिटेंट्स को पीर पंजाल रेंज के जरिए इंडिया में भेज देते हैं। ये वेल ट्रेन मिलिटेंट्स डिफिकल्ट टेरेन में रहने के आदि होते हैं, और इसीलिए उन्हें पीर पंजाल रेंज की कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी में सर्वाइव करना आता है। ये वेल ट्रेन आतंकवादी कश्मीर वैली के थ्रू एंटर करके वैली के लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, और फिर काम खत्म होने के बाद लौट जाते हैं। ऐसा करने से ये आर्म फोर्सेज की नजर में नहीं आते, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ये एग्जैक्टली पता नहीं कर पाती कि असल में वैली के कितने लोग मिलिटेंट्स के कॉन्टैक्ट में हैं। यानी पीर पंजाल रेंज अब धीरे धीरे न्यू सेफ हेवन की तरह इमर्ज हो रही है, और अगर आप इस मैप पर नजर डालेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे पिछले कुछ सालों में कश्मीर और जम्मू वैली में हो रहे आतंकी हमलों का सीधा कनेक्शन पीर पंजाल रेंज से जुड़ा है। लास्ट ईयर भी रियासी, कठुआ या डोडा की ही तरह इस रेंज को बेस बनाकर कई आतंकी हमले वैली में किए गए थे। एग्जाम्पल के लिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के कोकरनाग में हुआ हमला, जिसमें 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट की जान चली गई थी। और ऐसे ही डेटा की माने तो 2021 से 2023 के बीच पीर पंजाल को बेस बनाकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 20 से ज्यादा अटैक्स प्लान किए गए हैं, जिनके चलते 24 सिक्योरिटी पर्सनल्स और 75 सिविलियंस की जान गई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, और कैसे और किस तरह से इस कनेक्शन को ब्रेक किया जा सकता है। हाउ टू ब्रेक दिस कनेक्शन।
दोस्तों, पीर पंजाल और मिलिटेंसी के बीच तेजी से स्ट्रांग होता सिम्बायोटिक रिलेशन हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, और ऐसे में इसे टाइमली एड्रेस कर पाना बहुत जरूरी है, जो अपने आप में सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए गेम चेंजिंग टास्क साबित होने वाला है। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि हम अपने अतीत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, पीर पंजाल और मिलिटेंसी के बीच जो सिम्बायोटिक रिलेशन हमें अभी देखने को मिल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। असल में ये पूरा एपिसोड ऑलरेडी अर्ली 90s में घटित हो चुका है, और अर्ली 90s में जब कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी अपने पीक पर थी, तो सरकार ने आज की ही तरह यहाँ मैसिव लेवल पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को रन किया था, जिसके चलते उस समय भी मिलिटेंट्स इसी पीर पंजाल रेंज की गोद में शिफ्ट हुए थे। जब सरकार को पता चला कि मिलिटेंट्स पीर पंजाल का सहारा ले रहे हैं, तो यहाँ भी ऑपरेशन को रन किया गया, लेकिन यहाँ की कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी मिलिटेंट्स को लंबे समय तक बचाती रही। और दोस्तों, तब पहली बार सरकार को यह एहसास हुआ कि अगर वो मिलिटेंट्स को खत्म नहीं कर सकती, तो उन्हें कमजोर बना देना चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो मिलिटेंट ग्रुप्स तब पावरफुल नहीं होते जब वो अपने एरिया से किसी दूसरे एरिया में आतंकवादियों को भेज पाते हैं, क्योंकि ऐसा करने की एक थ्रेशहोल्ड लिमिट होती है। एग्जाम्पल के लिए, लश्कर लाख कोशिश करके भी 10, 20 या 50 मिलिटेंसी पाकिस्तान से भेज सकती है। असल में ये टेररिस्ट ग्रुप्स तब मजबूत होते हैं जब वो किसी कंट्री के लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनके पास वो इमेंस ह्यूमन रिसोर्स आ जाती है, जिसके सहारे वो सीरीज ऑफ अटैक्स को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यूसली कंडक्ट कर सके। यानी पाकिस्तान से लश्कर 10 से 50 टेररिस्ट इंडिया में भेज सकती है, लेकिन किसी तरह वो इंडिया में ही रह रहे लोगों को कन्विंस करके अपने साथ जोड़ लें, तो उनके पास हजारों मिलिटेंट्स हो जाएंगे, जिन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। यही कारण है कि उस समय लेट 90s में सरकार ने मिलिटेंट्स और वैली की आम जनता के बीच मौजूद कनेक्शन को ब्रेक डाउन करने का प्रयास किया था, और इसके लिए सरकार ने विलेज डिफेंस कमिटीज का फॉर्मुलेशन किया था, ताकि लोकल पॉपुलेशन को अपने साथ जोड़ा जा सके। विलेज डिफेंस कमिटीज एक ऐसा लोकल ग्रुप था जिन्हें गवर्नमेंट आर्म्स एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, ताकि वो मिलिटेंट्स का सामना कर सके, जिससे मिलिटेंट ग्रुप्स को ये मैसेज जाए कि वैली के लोग उनके नहीं बल्कि सरकार और देश के साथ हैं। साथ ही सरकार का मानना था कि मिलिटेंसी के इस कदर किसी एरिया में बढ़ने का सबसे बड़ा कारण लोकल सपोर्ट ही होता है, क्योंकि बिना लोकल से मिलने वाले इंटेल या रिसोर्सेज के मिलिटेंट्स इंडिया के अननोन टेरेन में सर्वाइव नहीं कर सकते, और ना ही आर्म्ड फोर्सेस से बच सकते हैं। इसी के चलते सरकार ने रॉ जैसी एजेंसीज के सहारे इंटेलिजेंस नेटवर्क एरिया में एक्सपैंड कर मिलिटेंट सिंपथाइजर्स को डिटेक्ट कर इनएक्टिव बनाया था, और यहां सरकार के ट्रस्ट बिल्डिंग एक्शंस भी वाइटल साबित हुए थे, जिसके लिए सरकार ने पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल जैसी लोकल कम्युनिटीज के स्पेशल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया था। ऐसे में इतिहास हमें ये सिखाता है कि अब एक बार फिर गवर्नमेंट को विलेज डिफेंस कमेटी से लेकर लोकल कम्युनिटीज में ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड न्यू प्लान्स और पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों से गुज्जर और बकरवाल जैसी कम्युनिटीज पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में ऐड करने से नाराज चल रही हैं, और ऐसे में इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करने की जरूरत है, ताकि गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटीज को बहला फुसला करके मिलिटेंट्स अपने साथ न जोड़ पाए। साथ ही सरकार को पीर पंजाल रेंज में स्पेशल सर्विलांस मेजर्स को अडॉप्ट करने के बारे में भी सोचना होगा, जहां इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगा। कंक्लूजन दोस्तों, रियासी या कठुआ में जो हुआ वो बेहद दर्दनाक है, और इस तरह मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर देना कायरता की निशानी है। लेकिन सरकार को इन हमलों को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है, और एक ही साथ हुए ये चार चार बड़े हमले इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद कुछ और बड़ा होने वाला है, जिसे किसी भी कीमत पर और किसी भी हाल में हमें रोकना होगा। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या है वो स्टेप्स जो गवर्नमेंट को उठाने चाहिए? जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और इस बात पर भी अपने ओपिनियन जरूर दीजिए कि किस तरह पीर पंजाल रेंज के मिलिटेंट कनेक्शंस को ब्रेक किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपने ओपिनियंस। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।